पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र के बेती खेल मैदान में आर डिस्को क्लब द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबले के साथ समापन हो गया। फाइनल मुकाबले का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पिपरवार क्षेत्र के स्टाफ ऑफिसर पर्सनल डॉक्टर एस के देवघरिया, विशिष्ट अतिथि स्टाफ ऑफिसर सिविल पी के साहू, खान प्रबंधक अशोक, परियोजना सालदा सत्यनारायण, सिमरिया विधानसभा प्रत्याशी रामदेव सिंह भोक्ता, रैयत विस्थापित मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष इकबाल हुसैन, केंद्रीय सदस्य महेंद्र गंजू, रामचंद्र उरांव, समाजसेवी परमेश्वर गंजू, समाजसेवी प्रिया देवी, मोहम्मद अफजल, अर्जुन गंजू, धनराज भोक्ता, सोमर गंजू, वीरेंद्र महतो, मोहम्मद जुल्फान, जगदीश भोक्ता, विजय साव सहित क्लब के सदस्यों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और गेंद को किक मार कर और सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। फाइनल मुकाबले में बालिका वर्ग का मुकाबला करमकट्टी और बुड़मू टीम के बीच खेला गया, जिसमें बुड़मू की टीम ने 1-0 से जीत हासिल कर खिताब पर जमाया। वहीं बालक वर्ग में मुंडा ब्रदर्स और आनंद क्लब के बीच मैच खेला गया। इस मुकाबले में मुंडा ब्रदर्स ने 1 गोल से जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा जमाया। आए हुए अतिथियों के द्वारा विजेता एवं उपविजेता टीमों को नगद पुरस्कार और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। बालक वर्ग में विजेता टीम को 1 लाख नगद और शील्ड, उपविजेता रहे आनंद क्लब को 50,000 नगद देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं बालिका वर्ग की विजेता टीम को 10,000 नगद, उपविजेता करमकट्टी टीम को 5,000 नगद और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। फुटबॉल प्रतियोगिता समापन समारोह के दौरान अतिथियों के द्वारा संबोधन करते हुए खेल के प्रति बढ़ावा देने की बात कही गई। प्रतियोगिता को सफल बनाने में आर डिस्को क्लब के अध्यक्ष रोहित केसरी, जयराम भुइया, संजय गंजू, प्रेम और हमारे तमाम मेहमान फाइनल महामुकाबले के टीका काटकर उद्घाटन करते हैं। अपने कार्य में लग जाए।
में उपस्थित चंदन पाठक आगे बढ़ते हुए आग्रह करूंगा और हमें केसर भूमि धन्यवाद पंक्ति बाद कल खड़े हो जाएंगे और बारी बारी से मंच में प्रवेश करेंगे। हमें हमारे समाज से ही माननीय श्री परमेश्वर गांधी जी से आग्रह करूंगा कि दोनों टीम के खिलाड़ियों को मैदान देकर जो कि विनर है बालिका बालिका टीम के सभी खिलाड़ियों को मैदान देकर सम्मानित करते हुए वो विनर टीम के तमाम खिलाड़ी दोनों से आए हुए और काफी मेहनत करके इस फाइनल को बहुत ही अच्छी ढंग से शून्य एक सौ भारतीय हुए परम गति टीम को मंच में उपस्थित जगदीश सिंह भुक्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो गौरव में संध्या काफी शानदार खेल का पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने शुरू से अंत तक अच्छा ही किया जो मैं पूरी मैच को पूरी
लगन के साथ देख सका। सच में आज का मैच उत्साहवर्धक मैच था। हमारे सीसीएल में भी हम अपने एम्प्लॉइज के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह कराते हैं, लेकिन मुझे बोलने में कोई दुविधा नहीं। जो इतना तालमेल देखने को प्लेयर्स के बीच नहीं मिलता है। आज का जो मैच था यह फुल ऑफ एनर्जी था। दोनों टीम के प्लेयर्स, मुंडा ब्रदर्स और आनंद क्लब, दोनों ही एक से बढ़कर एक थे। और हार जीत पर यदि नहीं जाया जाए तो दोनों टीम बराबर बराबरी पर मुकाबला कर रहे थे, लेकिन किसी भी मैच का यह दस्तूर है, या तो हार होगी या जीत। यदि एक गोल से हमारा आनंद क्लब हार गया तो कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है, आपको मैं पहला धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुंडा ब्रदर्स को, जो आपने सही मामले में अपना प्रदर्शन बेहतर रखते हुए आपने एक गोल से इस मैच को जीत लिया। बड़े भाई अजवाल स्वरूप से इकबाल हुसैन साहब, आज आर्ट इसको क्लब के तत्वाधान में आयोजित बेटी के पवित्र फुटबॉल मैदान में उपस्थित इस क्षेत्र के समाज सेवी महेंद्र गंजू जी, परमेश्वर जी, अर्जुन जी, कोने कोने से आए हुए तमाम खेल प्रेमी बंधुगण और हम लोगों को भरपूर मनोरंजन दे रहे रॉक स्टार क्लब और मुंडा ब्रदर्स क्लब, इन तमाम प्रतिभागियों को हमारे ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बधाई है, शुभकामना है। आज काफी हर्ष हो रहा है, अपने आप को इतने महानुभावों के बीच पाकर काफी हर्ष और उत्साह महसूस कर रहा हूं। दीवानगी बढ़ रही है, वो देखने के योग्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फुटबॉल एक लोकप्रिय खेल है और ये दमखम वाला खेल है। अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। जिस प्रकार यहां के व्यवस्थापक लोग इतने बड़े भव्य तरीके से आयोजन किए, मैं तमाम नमस्कार। आज का जो मैच हुआ उसमें जो मुंडा ब्रदर्स ने जीता, वो प्रतियोगी खिलाड़ी लोगों को मेरा हार्दिक स्वागत है। एवं ये प्रतियोगिता मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा एक प्रतियोगिता हुआ, पहले मैं ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि इतना दर्शक यहाँ आके खेल को उपभोग करेंगे। और मेरा मंच पे सभी जितना हम लोग का गेस्ट बैठे हुए हैं सबको मेरा नमस्कार, इतना कहता हूँ मैं, धन्यवाद। तो आगे बढ़ाते हम आमंत्रित करना चाहेंगे आज के विद्यार्थी मंच पर बैठे हुए ग्रामीण महिला बच्चे सभी खिलाड़ियों सभी को देखते हुए बहुत ही आनंद लग रहा है। इस बेंती मैदान में आर्ट डिस्को क्लब की ओर से जो ऑर्गेनाइज किया इस मैच को, बहुत ही रोमांचक ढंग से, बहुत ही उत्सव से देखा। इसको देखते लगता ही नहीं है कि हमने कहीं रिमोट एरिया में देखे मैच देख रहे हैं। इतना बढ़िया ग्राउंड, इतना बढ़िया खिलाड़ी, एक एक खिलाड़ी में जोश, ये रियली हमको बहुत ही अच्छा लगा। ये मैच था कि आर डिस्को क्लब की ओर से और इस क्लब की प्रबंधन समिति के सदस्य, अधिकारी और